तेरी मेरी उसकी बातें एक सिलसिला है, कुछ भूली बिसरी यादों का, कुछ इस मौजूदा भागदौड़ की जिंदगी में घटने वाले ऐसे वाक्यों का जो या तो कभी हंसाते हैं, कुदकुदाते हैं, या फिर कभी बरबस ही आंखें नम कर जाते हैं। ये सिलसिला है आपकी, मेरी या फिर उन जानी पहचानी हस्तियों की जिंदगी से लिए हुए कुछ खास ऐसे पलों का जो भले ही बिन कहे चुपचाप होकर गुजर गए, लेकिन जिंदगी की इस किताब के पन्नों पर कुछ छाप जरूर छोड़ गए। तो आइए शुरू करते हैं तेरी मेरी उसकी बातों की इस श्रृंखला को, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं हमारे लेखक अनिल सक्सेना जी की अपनी ही जिंदगी से जुड़े ऐसे ही एक किस्से की। तो आइए सुनते हैं ये रोचक किस्सा उन्हीं के शब्दों में। हाँ, तो ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने सेल्स और मार्केटिंग के करियर की शुरुआती सालों में काफी टूरिंग किया करता था। उम्र, तजुर्बा और जिम्मेदारियां, ये तीनों ही अभी काफी कम थे, लेकिन जो चीज भरपूर मात्रा में थी वह था जोश, उमंग से भरा हुआ एक मन और एक लापरवाह सा लड़कपन। करियर का शुरुआती दौर था तो लिहाजा अभी एक मैनेजमेंट ट्रेनी ही था। उन दिनों टारगेट का इतना प्रेशर नहीं हुआ करता था, और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि मोबाइल फोन अभी हम लोगों की उस सिंपल जिंदगी से कोसों दूर था। और बड़ी बात तो ये थी कि एक बार जो टूर पर निकले तो बस समझिए कि पंख निकल आए, हो गया बॉस की गिरफ्त से आजाद। टूरिंग का मतलब था संपूर्ण आजादी, उस बॉस की पैनी नजरों से कोसों दूर और उस बदरंग से रूटीन से भी। और मजेदार बात तो ये थी कि ज्यादातर मेरी टूरिंग हिमाचल की हुआ करती, और वह भी आमतौर पर शिमला की। 90 के दशक के शुरुआती सालों में शिमला बेहद दिलकश हुआ करता था। गर्मी, सर्दियां या बरसात, मौसम कोई सा भी हो, शिमला तो हर रूप में मन को लुभा जाता था। उन दिनों वॉल्वो बसेस तो नहीं हुआ करती थी, हाँ फिर भी सरकारी डिलक्स बसेस जरूर मुहैया हो जाया करती थी। और जैसा कि पहले भी बताया, सबसे मजे की बात तो ये थी कि अभी तक मोबाइल देवता अवतरित नहीं हुए थे, यानी कि एक बार 2-3 दिनों के लिए टूर पर निकले तो बस मानो उन्मुक्त गगन के पंछी हो गए। ऐसे ही दिसंबर के महीने के एक टूर की बात बताता हूँ। उन दिनों शिमला पहुंचकर मैं अपना सामान पहले तो बस स्टैंड के क्लॉक रूम में जमा करवा देता था, और फिर कुछ जरूरी क्लाइंट से उसी दिन मीटिंग करके शाम ढले लोकल बस पकड़ी, शिमला से थोड़े आगे एक छोटे से शहर संजोली में जाकर एक अच्छे से होटल के बढ़िया से रूम में चेक इन करता था। शिमला के मुकाबले वहां अच्छे होटल में बहुत बढ़िया कमरा काफी सस्ता मिल जाता था। उस दिसंबर की शाम भी मैंने करीब 7 बजे संजोली के लिए लोकल बस पकड़ ली। शिमला के लिहाज से अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था, और दिसंबर में 7 बजे ही शिमला में अच्छी खासी रात छिड़ जाती है। जिस सीट पर मैं बैठा था, मेरी बगल में एक दुबला पतला साधारण सी वेशभूषा में एक हिमाचली लड़का भी बैठा हुआ था। उम्र यही रही होगी कोई 20-21 साल के बीच। बस के शिमला पीछे छोड़ने के कुछ देर बाद ही बातचीत के इरादे से उस लड़के ने मुझसे कुछ बुनियादी सवाल पूछे, मसलन मैं कहां से आया हूं और किस वजह से और कहां जा रहा हूं। उन दिनों इसे लोगों की सिंप्लिसिटी कहिए या गवारपन, लेकिन अगल बगल में बैठे सफर करने वाले लोगों से बातचीत अमूमन कर ही ली जाती थी। अब या तो लोग बहुत साधारण या फ्रेंडली थे, या फिर शायद उन दिनों मोबाइल का ना होना इसकी वजह रही होगी। खैर, बातचीत से उसने ये जाना कि मैं शिमला में टूर पर आया हूँ और संजोली रुकने जा रहा हूँ, और मैंने भी ये ज्ञान प्राप्त किया कि वो हिमाचली लड़का हिमाचल यूनिवर्सिटी का एक छात्र है और संजोली में एक कमरा लेकर रह रहा है। अचानक उस लड़के ने मुझे एक ऐसी सूचना दी कि मैं थोड़ा हड़बड़ा सा गया। उसने मुझे बताया कि जरूरी नहीं है कि संजोली के उस एकमात्र होटल में मुझे इस वक्त रात को कोई कमरा मिल ही जाए, और ये भी कि संजोली के लिए ये आखिरी बस है और वहां से शिमला के वापसी के लिए भी कोई और बस नहीं है। ये सुनकर मेरा घबरा जाना तो जाहिर सी बात थी। नजर बाहर की तरफ बढ़ी तो देखा कि बस एक तरफ पहाड़ी जंगल तो दूसरी तरफ खाई से होकर
गहरे अंधकार को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। ना तो बस को रुकवाया ही जा सकता था और ना ही किसी भी सूरत में संजौली से शिमला वापस आया जा सकता था। कोई 7:30 बजे का सर्दियों का वो वक्त रहा होगा, लेकिन पहाड़ों पर उस वक्त का मंजर प्लेन्स के रात के 11 या 12 बजे का सा होता है। लड़का बस की उस पीली मध्यम रोशनी में शायद मेरे चेहरे के भावों को बखूबी समझ चुका था। उसने मूक अवस्था में गहराई से मानो मेरा निरीक्षण किया और फिर सहजता से बोला, आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। यदि आपको होटल में रूम नहीं मिलेगा तो आप मेरे साथ रह लेना, अगले दिन की अगले दिन देखेंगे। उसका ये कहना हालांकि मेरी चिंता को काफी हद तक कम कर गया, लेकिन इस बार मेरे मन में एक और उलझन उभर आई। किसी अपरिचित द्वारा मेहमान नवाजी की इतनी बड़ी पेशकश इतनी सहजता से दिए जाना मुझे बेहद असहज कर गई। इस बार उस लड़के का निरीक्षण करने की बारी मेरी थी। सामान है, साथ में कपड़े हैं, कैश है, और फिर पता नहीं ये लड़का कौन है। वैसे देखने में तो भला मानस सा लग रहा है, पर फिर भी क्या भरोसा। अब शहरी सोच किसी की सहजता को इतनी आसानी से भला कैसे पचा सकती थी। खैर, यही विचारों के उलटफेर में हम संजौली आ पहुंचे। वह होटल बस स्टैंड से बहुत नजदीक था। जैसा कि उस लड़के ने कहा ही था, होटल पूरी तरह से बुक था, टूरिस्ट सीजन जो ठहरा। रिसेप्शन से मायूस होकर बाहर आया तो उस लड़के को मैंने अपना इंतजार करता हुआ पाया। दिसंबर की सर्द हवाएं और ऊपर मंडराते स्याह बादल बर्फबारी के होने का अंदेशा जता रहे थे। हालात के मद्देनजर अपने तमाम लॉजिक और जजमेंट को दरकिनारे रखते हुए एक नन्हे बालक सा मैं उस लड़के के साथ हो लिया। रास्ते में सड़क किनारे बैठे सब्जी विक्रेता से उसने कुछ सब्जियां खरीदी और मुझसे पूछा भी कि क्या मैं वो सब्जी खा लेता हूँ। खैर साहब, खरीदारी के बाद रास्ते में उसने मुझसे कहा, गांव से मेरा छोटा भाई भी मेरे यहाँ आया हुआ है, पढ़ाई में उसका मन कम लगता है, आप उसे समझाइएगा और जरूरत पड़े तो उसे झिड़किएगा भी। जल्द ही हम उसके कमरे में जा पहुंचे। एक छोटा कमरा, एक किचन और एक दीवान। उस लड़के का छोटा भाई मुझे देखकर थोड़ा सकपका सा गया, फिर आनन फानन में खाना बना। शायद उस दिन स्पेशल मटर पनीर की सब्जी और मेथी आलू बना और बड़े प्रेम और सादगी से मुझे खाना पेश किया गया। खुश्क रोटी, पनीर मटर, मेथी आलू की सब्जी और ढेर सारा प्यार। स्वाद कैसा रहा होगा अभी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, हिमाचल के किसी दूर दराज के गांव की सादगी का सौंधापन उस खास डिनर में बेशक घुल मिल गया था, जिसे मैं शायद ताउम्र कभी न भूल सकूंगा। रात को मुझे सोने के लिए दीवान दिया गया और वो दोनों भाई जमीन पर एक गद्दा बिछाकर सोने की तैयारी करने लगे। मेरे बहुत कहने पर भी उन्होंने मुझे जमीन पर नहीं सोने दिया। उस माहौल का वो अपनापन ही रहा होगा कि मैंने उस लड़के के छोटे भाई को पढ़ाई में मन ना लगाने की वजह से डांट पिलाई और वो सिर झुकाए सहमा सा सब सुनता रहा, जैसे घर में आया कोई बड़ा सदस्य छोटे को समझाता है या डांटता है। सुबह उठा तो देखता हूं कि नाश्ते में आलू के पराठे बनाने की तैयारी चल रही है। चाय पिलाई गई, थोड़ी मीठी थी, पर सोचता हूं कि अगर चीनी कम भी पड़ी होती तो मिठास तो तब भी महसूस होती ही। खैर, तैयार होकर नाश्ता करके मैं शिमला की ओर रवाना हो गया। वापसी में महसूस हुआ कि सामान तो भले ही पैक करके पूरा ले चला हूं, लेकिन हां, थोड़ा सा लड़कपन कहीं पीछे छूट गया है। जिंदगी की ये पढ़ाई कहां भला कोई MBA कराएगी। तो ये था दोस्तों जिंदगी के उस हिस्से का एक किस्सा जो बेहद खूबसूरत था, शिमला के उन दिलकश नजारों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत। सिरिया दे तेरी मेरी उसकी बात।
कुछ भूली बिसरिया।